बच्चों आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 3 मोल कंसेप्ट में। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आया है ये है, बच्चे ने जो डाउट पूछा है वो ये है। पहला क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूँ। व्हेन 100 ग्राम ऑफ इथाइलीन पॉलीमराइजेस एंटायरली टू पॉलीथीन द वेट ऑफ पॉलीथीन फॉर्म्ड एज पर द इक्वेशन इज। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि यहाँ एन मोलिक्यूल एथिलीन के जुड़कर एक पॉलीथीन का मोलिक्यूल बना रहे। सीधा सा सॉल्यूशन है इसका, 100 ग्राम इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी किसी रिएक्शन में ऐसा हो कि एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, तो जितना ग्राम ये खत्म होगा, अगर ये 100 ग्राम कंज्यूम हो जाता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये 100 ग्राम लिख दो और कौन से लॉ से, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। पहला क्वेश्चन जो है वो इससे सॉल्व होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर एट पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर एट में ये बोल रहा है द मास ऑफ 70% H2SO4 रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH। आप देख सकते हैं H2SO4 इज एसिड एंड NaOH इज अ बेस, तो 1 मोल को पूरा खत्म करवाना है, न्यूट्रलाइज करवाना है। हाउ मच मास ऑफ 70% प्योर H2SO4 सैंपल इज रिक्वायर्ड। तो हम यहां देखते हैं कि NaOH की जब रिएक्शन होती है H2SO4 के साथ तो ये बनाता है Na2SO4 और वाटर, सही है। किस रेशो में रिएक्ट करते हैं? 2:1 रेशो में। ठीक है, तो यदि NaOH का 1 मोल पूरा खत्म करवाना है तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 विल बी रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री। ये 2 के लिए 1 चाहिए तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा? हाफ मोल विल बी रिक्वायर्ड, सही है। H2SO4 हाफ मोल रिक्वायर्ड, मोलर मास 98 मींस 49 ग्राम H2SO4 इज रिक्वायर्ड, लेकिन ये होना चाहिए प्योर, ठीक है ना। तो प्योर H2SO4 चाहिए मुझे 49 ग्राम ये चाहिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सैंपल की प्योरिटी है 70%, यानी x ग्राम में सैंपल ले लूं तो इसमें 0.7x मुझे मिलेगा प्योर H2SO4, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 49। तो यहां से सॉल्व करके आंसर हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 70। इसके बाद हम सोल्व करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर फोर में। पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मस्ट बी डिकम्पोज्ड टू प्रोड्यूस द सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कन्वर्ट 21.2 केजी ऑफ Na2CO3 कंप्लीटली इनटू NaSCO3। ठीक है, रिएक्शन आपके सामने है और रिएक्शन में इंश्योर कर लें कि बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, अब मैं आता हूं सॉल्यूशन पर। ये बोल रहा है कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए कि इससे CO2 इतनी प्रोड्यूस हो जाए कि विद CO2 कैन कन्वर्ट 11.2 केजी Na2CO3 इनटू NaSCO3। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, 21.2 केजी को मैंने चेंज किया ग्राम में। ग्राम में चेंज करने के बाद डिवाइड बाय मोलर मास किया तो मोल्स आ गए 200 मोल। ठीक है, अब मैंने इस रिएक्शन का मोल मोल एनालिसिस लिख दिया। कैसे लिख दिया? ये ऐसे लिख दिया, Na2CO3 200 मोल अगर खत्म करने हो तो CO2 हमारे पास आ गई कितनी रिक्वायर्ड होगी, 200 मोल रिक्वायर्ड होगी। यहां से सोल्व करने पे ऊपर आ जाते हैं, ये रिएक्शन के लिए मोल मोल एनालिसिस लिखा तो NaCaCO3 अपॉन 1 इज इक्वल टू NCO2 अपॉन 1 और CO2 के मोल हमें रिक्वायर्ड थे 200। तो ये आपको सीधा दिख रहा होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने चाहिए होंगे, 200 मोल इनटू मोलर मास कर दें तो 20,000 ग्राम आ जाएगा और 20,000 ग्राम इज इक्वल टू 20 kg। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में मैं पढ़ देता हूँ। 0.05 मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर सॉल्यूशन वाज प्लेस इन अ फ्लास्क कंटेनिंग 74 ग्राम टर्शी ब्यूटाइल एल्कोहल। द प्रोडक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक डेरिवेटिव बन रहा है C12H27O3 दैट इज वेटेड एज 12.7 ग्राम। इफ लिथियम एटम्स आर कंजर्व द परसेंटेज यील्ड इज, परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है और लिथियम को कंजर्व करवा रहा है। ठीक है, तो मैं यहां से कहूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वॉज टेकन एज 0.05 मोल, सही है। सारा लिथियम कंजर्व रहेगा तो इससे पूरा लिथियम कितना एक्सट्रैक्ट हो सकता है, 0.05 मोल, और इससे ये प्रोडक्ट कितना बन सकता है क्योंकि सारा लिथियम इसके अंदर चला गया तो ये प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा मुझे, 0.05 मोल। ठीक है, लेकिन ये थ्योरेटिकल मोल्स होंगे। मैं क्या करूंगा
इंटू इसका मोलर मास कर दूं, ठीक है, इंटू इसका मोलर मास कर दूं तो मुझे इसका मास मिल जाएगा, ठीक है, मास कितना मिलेगा, 0.05 इंटू मोलर मास जो भी होगा इसका, इतना ग्राम मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये मास होगा जो मिलना चाहिए एक्सपेक्टेड, इट इज थ्योरेटिकल मास, ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड में ऊपर रखते हैं अपन, एक्चुअल मास ऑब्टेन अपॉन थ्योरेटिकल मास, ठीक है, नीचे आएगा थ्योरेटिकल मास जो कि ये रख देंगे हम, और ये मास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल उसे रख देंगे, इन 200 कर देंगे तो आंसर आएगा। क्लियर है पॉइंट ये, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिस्कशन डीपीपी 3 और 4 का था। नेक्स्ट क्लास में आप जो है 4 और इसका 5 और 6 का डिस्कशन देखने वाले। थैंक यू।